बच्ची क्या हुआ तुझे? सारे लोगों ने मुझे मिलकर बेवकूफ बनाया। नबीला तुम भी? वो मैं क्या करती, ब्यूटी पार्लर चल नहीं रहा था तो सोचा कोई आमदनी हो जाए। और अम्मा तुम भी पैसों के लालच में आ गई हो। नहीं 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 मैं नहीं, अल्लाह की कसम मैं नहीं हूँ। मैं तेरा बाप है ना, उसने मुझे कहा कि तेरा दामाद इतना कंजूस है, वैसे तो वो ढेला नहीं निकालता, ऐसा कर तू भी मौके से फायदा उठा और चली जा, और जितना पैसा तुम दामाद से ईंट सकती है ना ईंट ले, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तेरे बाप का कसूर है। अम्मा हमारी प्यारी अम्मा, तुम हमको छोड़ के काहे को चली गई, हमको गुलबदन के भरोसे छोड़ के चली गई, इसे तो बेहतर था हमको अपने साथ ही ले जाती। अम्मा हम तो हार बगैर ना ही रह सकत, हमारा बहुत दिल चाहता तुमसे मिलने को, अम्मा हमको अपने साथ ले जाओ ना, अम्मा हमें यहाँ नहीं रहना, हमें तुम्हारे साथ जाना। अम्मा हमारी प्यारी अम्मा। बचवा हमरा बचवा बचवा हमरा बचवा। अम्मा बचवा हमरा बचवा। अम्मा अम्मा तुम यहाँ कहाँ से आ गई? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम हमका बुलावे थे कि हमरा दिल ना ही लगा है अम्मा हमका अपने पास बुला ले में। तुम मजाक कर रहे थे ना अम्मा, तुम खामा संजीदा हो गए अम्मा। हम संजीदा ना ही हो में है, तुम्हारा वक्त आ गया है, ऊपर से तुम्हारा बुलावा भी आ गया है, हम तुमको लेने आए हैं। ये तो मौत के फरिश्ते का काम है ना, और तुमने हुआ जाके का जॉब कर ली, अब्बा तो तुमको प्यार से मुलकुल मौत कहते थे अम्मा। हमरी सलाहें देखने के बाद ये फैसला किया गया है कि हमें किसी का रुक कब्ज करने का पूरा सलाहियत है, तुम्हारे अब्बा ने भी ये बात की गवाही दी है, और बस उसके बाद हमका मलकल मौत का असिस्टेंट बना दे गया है। अब देर ना ही कर मेरा बचवा, जल्दी से हमरा साथ चल, तो ही तो रो रो के हमका बुलावे थे ने। हमसे गलती हो गई, हमारे तुमको कभी याद नहीं करेंगे, तो आर कसम कभी याद नहीं करेंगे। अम्मा अभी हमारी उम्र ही कहा है, अभी तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है, अभी हमने देखा ही कहा है दुनिया में। अम्मा हम तो तुमको अपनी अम्मा के तौर पे याद कर रहे थे ना, हमें क्या पता था तुम हुआ जाके मुल्कुल मौत की असिस्टेंट हो गई हो। अब तो जो हो गया है ना वो हो गया बचवा, अब तो तुमको हमारे साथ जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा बुलावा आ गया है। हमको माफ कर दीजिए अम्मा, अभी हमारी उम्र ही कहा है, अभी तो हमारे खेल कूदने की उम्र है, अभी हमने देखा ही कहा है दुनिया में। देखा तो तुमने बहुत कुछ है, हमका इतला मिली है कि तुम बहुत बद नजर हो गए हो, उस छन्नों के साथ तुम्हारा जो चक्कर होकर है वो सब हमका पता है, तुम बहुत बुरी नजर रखे हो उसका। मुख पर किसने कर दी? वहाँ छन्नों के अब्बा वही है, वो हमसे आपका शिकायत किए हैं, 15 सफात में मुश्तमिल आपके लिए पर्चा लिख के दिए हैं, दरख्वास्त दी है हमको कि आप बहुत बुरी नजर रखे हो उसका बेटी के ऊपर। चलो क्या वहाँ सारा कुछ देख रहे हैं का? और क्या, तो वहाँ किसी से कुछ ना ही छुपा है, वहाँ तेरे करतूत सबको पता है, और तुझको तो मौत के फरिश्ते ने लेके जाने से मना कर दिया, हमका बोला कि वो बहुत बुरी नजर वाला है, बहुत बुरा है, तुम्हारा बेटा है, तुम अकेले जाके अपना बेटा को लेके जाओ, आ जल्दी अपना रुक अप करवा, आ जल्दी आ। या क्या कर रही हो तो एकदम संजीदा ही हो गए का, माँ अपने बच्चे को खुद जान से मारे का, माँ तो अपने बच्चे को जीने की दुआएं दे रही है ना। तो हम ना ही जिंदा है बचवा, हम तुमका लेके जाएंगे, क्योंकि हम ना ही है, जहाँ हम है तुमका वहाँ ही रखेंगे, अब तुम हमरा साथ चलो, आओ अपना शहर रख के दिखाओ। क्या हो गया साहब जी, क्यों टकरे मारे जा रहे हैं मुझे? हुआ क्या, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं चलना बिटिया, आप यहाँ से जाइए बस। क्या बिटिया आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ तो कहा हुआ अगर हमने आपको बिटिया कह दिया, आप हमारी बिटिया की जगह तो है, अगर हमारी असल में बिटिया होती तो आप जितनी होती ना। अल्लाह मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको हुआ क्या है वैसे। ये कौन है? हमारी अम्मा है, अम्मा थी है। शमसुद्दीन एक दफा छन्नो को तुम बिटिया कह दोगे इसे तुम्हारी जान ना ही बच जाएगी। हम तुम्हारी शहर रख पकड़ना है, अपना शहर रख दो, हम देर हो रहे हैं, तुम्हारी रूह कब्ज करेंगे। आप हमारी अम्मा है या जलाल है, आप हमारी शहरक के पीछे ही पड़ गई हैं, बच्चों से गलतियां हो जावे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अम्मा की जान के पीछे पड़ जावे। अम्मा हाँ हमारे ऊपर बात करे ना, हाँ हम थोड़ा सा टाइम दे, हमें अभी नहीं मरना, हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं तो कोई गलत काम नहीं करेंगे, और तुम्हारे सामने हम छन्नो को तो बिटिया कह ही चुके हैं ना। सिर्फ कहने से काम ना ही चलेगा, समझना भी पड़ेगा ने। हाँ तो हम समझते हैं ना, है ना, वो तो हम तुमको बिटिया समझते हैं ना। बोला हाँ 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 बिल्कुल नहीं। छन्नो आप क्यों हमारी जान निकालने के पीछे पड़े हैं? अच्छा ठीक है एक सोने का और दो चांदी के सेटे लूंगी फिर आपके हक में गवाही दूंगी वरना मैं नहीं दे रही मेरी। चन्नो अब ये चक्कर नहीं रहे, हालात बदल गए, तो आर अब्बा ने ऊपर से शिकायत लगा दी हमारी है। हाँ। मेरे अब्बे ने, मेरे अब्बा तो मर चुका है कब का। कोई तो हार अब्बा को मरने के बाद भी चैन नहीं आया, ऊपर से बैठ के नजर रख रहे हैं, लड़की के अब्बा का आज से कोई भरोसा नहीं करे, मरने के बाद भी नजर रखते हैं। हम बता रहा हूँ आज से हम मरे हुए अब्बा की लड़की को भी नहीं छेड़ेंगे, ख्याल रखेंगे। का खुसर पुसर करे हो जी, का खुसर पुसर हो रहे हैं तुम दोनों के बीच? अम्मा ऊना बेटिया के जहेज की लिस्ट फाइनल कर लेते हैं। हाँ 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 हम दूंगा सोना दूंगा, चांदी दूंगा, टीवी फ्रिज सब कुछ दूंगा, बस तुम हमारी अम्मा से कह दो कि हम तुमको बिटिया समझते हैं ना। बोलो ए अम्मा ये वाकई मेरे को ना अपनी बेटी समझते हैं, मुझे बेटियों की तरह प्यार देते हैं। एक बार समझने से कुछ नहीं होगा, हम यहाँ एक माँ रह के देखेंगे। अगर तुम नेक और शरीफ साबित हुए ने तो हम तुम्हारा सिफारिश करके ऊपर जाके तुम्हारा दुनिया का टाइम बढ़वा देवेंगे, और जो तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो बगैर बताए तुम्हारे रूह कब्ज कर लेवेंगे आके। हाँ रूह कब्ज कर लूंगी, क्या मतलब इस बात से? हम बताए ना, हमारी अम्मा है, अम्मा थी वो मर गई है, आजकल मलकुल मौत की असिस्टेंट लगी हुई है, हमार रूह कब्ज करने आई है। क्या हाँ, मैं मर गई? तुम कहा मरी, मरे तो हम हैं, अब एक महीने के लिए शरीफ होके रहना पड़ेगा। एक माँ के लिए नहीं बचवा, पूरा जिंदगी के लिए, वरना किसी भी वक्त आके तुमको बगैर बताए तुम्हारा रूह कब्ज कर लेंगे। हाँ अम्मा तुम तो बिल्कुल ही जलाल हो गई हो, थोड़ी तो रियायत करो। गुलबदन बाजी कब चाय तो पिलवा दीजिए। बाजी होश में तो हो तुम, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा कहीं? माफ कर दीजिए, वो हम शरीफ हो गए हैं तो मुंह से स्लिप हो गया बाजी। तो शरीफ रहो, बेगैरत ना बनो तुम। साहब जी, ओ साहब जी, साहब जी वो भाई ना छोले वाला आया हुआ है, तो आप ना मुझे एक प्लेट छोले दिला दीजिए ना। दूर 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 हो गए, बात करो छन्नो बिटिया, और अगर पैसे मांगने हैं तो अपनी अम्मी जी गुलबदन से मांगो। हाँ वो ही ना, अम्मी के लिए तो मांग रही हूँ। ए खबरदार, अगर मुझे अम्मी जान बोला, कोई नहीं मैं तुम्हारी अम्मी मम्मी। बढ़िया ही। ओए साहब मेरे को एक माह का छुट्टी दे दो। एक माह का क्या, एक साल का छुट्टी ले लो, हम तो शरीफ हो गए हैं। जब से तुम शरीफ हुआ हमारा आमदनी कम हो गया, और वीडियो बनने कभी नहीं मिलता है, हमारा इसमें गुजारा नहीं होता, हमको छुट्टी दो। जाओ दी। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझ आ रही है? तुम्हारे साहब भी शरीफ हो गए ना, तो तुम भी अब शरीफ हो जाओ, समझे? बेगम साहब हम शरीफ हो गए तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरा क्यों नुकसान होगा? बेगम साहब साहब को तो हम जानते हैं, ये कहीं ना कहीं से आंख बचा के डंडी जरूर मारेगा, और हम शरीफ हो जाएगा तो उस पर नजर कौन रखेगा? इसको वीडियो बनने का डर नहीं होगा तो सोचो ये क्या क्या गोल खिलाएगा। आप सोचो हम आपका मदद नहीं करेगा तो मेरी कैसे? आता हूँ नमाज पढ़ के आता हूँ। क्या करें, आप ठीक को बताएं,
टेंशन हो गई अम्मा तुम कहा हमार बात सुनो कहा दिलवाले दुल्हनिया जा के शाहरुख खान की तरह कहाँ जा रहे हो? वही साहब हमको घर जा रहे हैं, बहुत टेंशन हो रहा है यार। तुमको काहे की टेंशन है, टेंशन में तो हम हैं यहाँ। वही साहब आप मेरा बात नहीं समझ रहे, हमारे बाप को बच्चा होने वाला है। तो हार ये भी तो होता है का? वो कहने का मतलब हमारे बाप का बच्चा होने वाला है यार। हमको बहुत टेंशन हो रहा है। बाबा इसमें टेंशन क्या, ये तो खुशी की बात है। वो खुशी का बात नहीं है, आजकल चाइना का दौर है, पता नहीं बच्चा कैसे होएगा। ओ तो हम उसकी फिक्र ना करो, खुद ही हो जाएगा। तो हमारी फिक्र करो, हम बहुत टेंशन में हैं। वो साहब जब आप टेंशन में होते हैं मेरे पास आ जाते हैं। यार हम कौन है, हम गार्ड है, ओबामा थोड़ी है। एक तुम ही तो हो जो हमारी बात सुन, पीछे होके बात करो। एक तुम ही तो जो हमारे दोस्त हो, हमारी बात सुनते हो। अब हम बहुत टेंशन में, हमारी टेंशन दूर करो ना। वो क्या मसला है बोलो। हाँ ये बात सुनो, वही साहब ये क्या कर रहा है तुम यार? ये वो हम भूल गए, तो चन्नो के साथ था। असल मसला यही, हम तुमको बताता हूँ। वो मसला हुआ, हम रात को सोए थे ना, वो हमने ख्वाब में अम्मा को देखा। अम्मा आई हमारे, मसला है हमारा। वही साहब आप परेशान नहीं हो, इसका तोड़ हमारे पास है। अच्छा लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सामान लेके आना पड़ेगा। सामान हम ले आऊंगा, बताओ क्या क्या चाहिए। चलो फिर सबसे पहले अपना हड्डी दो। हमारी हड्डी क्या करनी है? उसमें लिखा है कि एक पुराने बंदर का हड्डी होना जरूरी है। हड्डी ना ही दे सकत, खून वून से काम चला ले। खून भी सही, लाओ एक बोतल खून दो। एक बोतल तो निकलेगा भी नहीं, चमची दो चमची बस। चलो ठीक है, दो चमची खून हो गया। अच्छा। एक पाव बेसन, पतला कटा हुआ आलू, एक मिर्च, उसमें चीरा लगा के थोड़ा सा अमचूर, उसके बाद थोड़ा प्याज, ये सब मिला के ना पकौड़े बनाओगे खून से? नहीं खून अलग है, ये तो पकौड़ा मेरे को याद आ गया, पकौड़ा भी तो कहेगा ना आदमी। हम टेंशन में है, तुमको खून की लगी है, पकौड़े की लगी है। चलो फिर दो चमची खून, थोड़ा नस्वार, एक पुराना उल्लू, वो सब मिला के ना हम उस पे मंत्र पढ़ के फूकेगा, आपका काम हो जाएगा। ये तो ठीक है, ये बस जल्दी से कर दो है। पर लेकिन ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको। महंगा हो तो कहा हुआ, हमारी टेंशन दूर करो, हम पैसे दूंगा, हम तुमको 200 रुपए दूंगा। वही 200? वही 10,000 रुपए का काम है ये? 10,000? दिमाग खराब हो गया क्या, चरिया गए हो का? 10,000 तो नहीं है हमारे पास। नहीं है तो फिर कर लो खुद ही, हम जा रहे हैं। हमारी बात तो सुनो, एक तो हर बात पे गुस्सा हो जावे हो। आग नहीं लगाना है। अच्छा तो चलो हम 6,000 में कर देगा, इससे कम नहीं होगा कुछ। ये भी बहुत है। अच्छा चलो 250 रुपया बस। और 250 में नहीं होगा, कम से कम 5,000। 5,000 तो बहुत है, बस 300 में डन करो। 300 में नहीं होगा, कम से कम 4,000 रुपये। 4 बहुत है बस, अब 350 रुपया हूँ पर नहीं देंगे। साहब आखिरी 2,500 में फाइनल करो, इससे कम नहीं हो सकते। 2,500 बहुत है। हमारा आखिरी बात सुन लो, 450 रुपए देंगे अगर वारे में आए तो ठीक, वरना छोड़ दो, हम खुद ही नहीं बांट लूंगा। अच्छा भाई बात सुनो यार, ना आपका ना मेरा, 500 में डन करो। ठीक डन, आ जाओ। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए थोड़ा याद करना पड़ेगा। प्याज सिरका सलाजीत माजून, प्याज सिरका सलाजीत माजून, प्याज सिरका सलाजीत माजून, तो पक जमा करो। अरे रुबीना तुमने तो कमाल कर दिया, वाओ व्हाट अ मेकअप आर्टिस्ट यू आर, रियली तुमने तो शमसुद्दीन की माँ को इतना चेंज कर दिया मेकअप से, माय गॉड। मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन उससे भी गजब की एक्ट्रेस हूँ, ये बात तुम्हें पता है। और तुम्हारी सास की क्या ही अच्छी मैंने एक्टिंग की है। नो डाउट इतना ज्यादा बदल के रख दिया कि मैं समझ रही थी कि वाकई मेरी सास आ गई है। वैसे तुम्हारा ये आइडिया अपनी सास की रूह वाला बहुत ही कारामा साबित हुआ, तुम्हारा मियाँ कैसा अलिफ की तरह सीधा हो गया। हम सब सुन लिया हो कि हमको टोपी किस किसने पहनाई है, मतलब तुम मेकअप आर्टिस्ट को हमारी अम्मा बना दी है, हमारी सैरक के पीछे पड़ गए, हमें मुल्कुल मौत से डराते रहे, बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया। नहीं शमसुद्दीन ऐसा नहीं किया, वो मजाक चल रहा था, मजाक। ये मजाक था, जोकिंग। ये मजाक था, जोकिंग। तुम हम पे और छन्नो पे शक करती थी ना, अब देखो हम तो हार शक को कैसे यकीन में बदला दें। छन्नो तैयारी करो, अफ्तारी के बाद हम डेट पे जाएंगे। हमरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। बहुत ही मजा आ रहा है, मतलब आज
कितने अरसे के बाद जो है गुलबदन अपनी अम्मा के यहाँ गई है, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही आजादी मिली है। वही साहब, तुम इसी तरह ख्वाब देखते रहेगा ना तो ये दो दिन यूं गुजर जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाएगा। नहीं का बात कर रहे हो, क्यों कुछ नहीं कर सकेंगे, हम तो खूब मजे करेंगे। तो साहब करो ना, हम तो कब से कैमरा ऑन करके खड़े। नहीं बाबा, ये कैमरा क्यों ऑन किया हुआ है? वही साहब देखो, आपसे ना 30 सेकंड का वीडियो का हमारा 1000 रुपए का रेट थे, अब अगर 30 सेकंड का 1000 रुपए तो सोचो दो दिन में हम कितना पैसा कमाएगा। मतलब तुम दो दिन हमार और छन्नो की वीडियो बना के गुलबदन को दिखाओगे? जोरदार खान, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। ओ साहब, हम वीडियो दिखाएगा नहीं, वीडियो तो हमने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि तुम थोड़ा डर जाओ। ओ वैसे भी आप वीडियो हमको दिखाने तो देगा नहीं, फौरन पैसा दे देगा। बाबा पैसे तो हम तुमको वैसे भी दे देंगे हैं, बस कुछ ऐसा कर दो कि गुलबदन यहाँ आवे ना, हुआ ही रह जावे। ओ साहब, ये सुपारी मैं नहीं ले सकता। बाबा सुपारी तो हम तुमको ना ही दी, सुपारी तो हम कभी नहीं खाए, उसे तो पतरी हो जावे। देखो हम की कह रहे हैं, हम दे रहे हैं काम, तुमको काम करो और मुंह मांगे दाम ले। वही सब तुम मेरे को रिश्वत दे रहे हो, तुम पठान को खरीदेगा, हमारा ईमान को खरीदेगा, मेरा बंदूक है, मेरा बंदूक है, मेरा बंदूक। चलो फिर ठीक है, लाओ कितना पैसा है? पैसे जितने कहोगे मिल जाएंगे, पहले ये बताओ तरकीब का है। वही करना क्या है, हम पहले उसको दोनों टांगे तोड़ेगा, फिर दोनों हाथ तोड़ेगा, फिर गर्दन मरोड़ देगा, बस। बब्बा तो बचा क्या फिर? वही जरूरी जरूरी बात कर रहे हो। चलो ऐसा नहीं तो फिर ऐसा कर लेते, हम तेजाब फेंक देते हैं मुंह पे, कम से कम 6 महीने तो अस्पताल में रहेगा ना। क्या बात कर रहे हो, चंगेज खान की नस्ल से हो या हलाकू खान की, बाबा तुमसे काम करवाना ही नहीं है, हम खुद कर लेंगे, जाओ। वही कैसा आदमी है यार, खुद ही काम देता है फिर खुद ही मुकर जाता है। और साहब तुम तो औरत है, औरत मर्द का तो एक जबान होता है, तुम्हारा एक जबान नहीं है। देखो बब्बा, अगर हमारा एक जबान होता ना तो फिर हमारी टांग और बाजू भी एक ही होता। वो इसका क्या मतलब है? बाबा इसका मतलब ये है कि अगर हम सच बोलते तो गुलबदन कम से कम हमारी एक टांग और बाजू तो तोड़ देती ना। खैर ये बात तो छोड़ो, मौसम बहुत अच्छा है ना, तुम ऐसा करो आज छुट्टी तो हार, तुम जाओ कोई फिल्म विल्म देखो, पछतो वस्तो इंजॉय करो। वो तो फिर मूवी कौन बनाएगा सर? तो मूवी हम बनाऊंगा, हम सेल्फी बनाऊंगा, हमार और छन्नो की सेल्फी बनाऊंगा, फिर तुमको दे दूंगा। वो हमको एंजॉय नहीं करने देना कुछ भी। हाँ तुम जा, ठीक है। ओ छन्नो सब बुला रहे, नया वीडियो बना रहे, जल्दी आओ। आ जाओ छन्नो, चल चन 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 छन्नो, तुमको पता है हमें 2 दिन तक रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। हाय अल्लाह, कितना कोई मजा आना है जी, कितनी मजे की आजादी हमें मिली है, वो भी 2 दिन। साहब जी, इन 2 दिनों में ना कम से कम भी मेरे ना 4-5 अच्छे अच्छे जोड़े बना देने हैं आपने। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहले हम अपना जोड़ा तो बना लेवे अच्छे वाला। वही साहब, ये लक और शिराजी का जोड़ा नहीं बन सकता है। कौन लक्का कौन शिराजी? ये लक्का और तुम शिराजी। ये लक्का नहीं है, ये तो मैं लक्का है, मैं लक्का। और तुम मूवी बनाने से बाज नहीं आए ना? बाबा तुमको कहा तो है, तो हर सारे मुतालबात हम बगैर वीडियो के पूरे कर देंगे। वही साहब बात ये नहीं है, बात सारा ये है कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, हमको क्या पता कल तुम मुकर जाए, इधर तुम मुकरा उधर वीडियो रिलीज। तुम आराम से सराफत के साथ जाते हो, या हम तुम्हारा मोबाइल लेके यहीं तोड़ देंगे। ओए बेगम साहिबा नहीं है ना, तभी इतना गुस्सा दिखा रहे, उनके सामने इतना गुस्सा दिखा तो चार मार। चलो यहाँ से। अच्छा तो हम ये कह रहे थे कि आओ इन 2 दिनों को 2 सालों में, बल्कि 2 सदियों में बदल दे। में गुलबदन ने इतनी जल्दी कैसे आ गई आप? हम कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो काम समझने के लिए आई थी, हम काम समझा रहे थे। देखो चन्नो, पहले ऐसा क्या करो, हाथ धोया करो, सारे हाथ धो के फिर जाके सफाई किया करो, ये बता रहे थे हम। और आइंदा पूछता ना दूर से पूछ लिया करो, करीब आने की क्या जरूरत है, बुरी बात होती है। चलो जाओ, हाँ काम करो। अच्छा ठीक है साहब जी, आंधा ऐसे ही क्या करूंगी। हाँ ऐसे ही। मैं गुलबदन नहीं हूँ, मैं एक्चुअली गुलबदन की ट्विन सिस्टर हूँ, चमेली। हाँ वो एक अलग बात है कि गुलबदन मुझे भूल चुकी है, लेकिन मैं नहीं भूली उसे। मैं उसके घर का पता ढूंढते 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 यहाँ तक पहुँच गई हूँ। कहाँ है गुलबदन? गुलबदन तो यहाँ नहीं है, वो तो अपनी अम्मी के यहाँ गई हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं भी फिर अम्मी के जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप काहे को जाएंगी, आप तो आ गई हैं, आप यहाँ बैठी ना, वो भी 2 दिन बाद वापस यहाँ ही आएंगी ना।
देखिए ना, हाँ। अब वो यहाँ पे तो है नहीं, मैं उनके बगैर यहाँ रह के क्या करूँगी। लेकिन मुझे अपनी अम्मी से भी तो मिलना है ना। पूरे 30 साल का अरसा गुजर गया उनसे मिले हुए, इस बहाने उनसे मुलाकात हो जाएगी और गुलबदन से भी। जहाँ 30 साल इंतज़ार किया वहाँ 2 दिन हमारे लिए और भी इंतज़ार कर लीजिए ना। हम ऐसे करते हैं, उनको फ़ोन करके गुलबदन और तोहार अम्मा को यहीं ही बुला लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा, बैठ के पत्ते खेलेंगे। हैं, आ जाइए अंदर आइए। ठीक है, आइए। हम आपको सच्ची बताएं, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं गुलबदन के साथ। वो है ही ऐसी, सबको नाखुश रखने वाली। अब देखिए ना, बचपन में उसने ना मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से मैं अपनी मदर से बिछड़ गई थी। ट्रेन से धक्का दे दिया तो आप मरी नहीं? ट्रेन रुकी हुई थी। शुक्र है, थैंक यू ट्रेन गार्ड। उस वक्त से लेके आज तक मैं अपनी मदर की मोहब्बत के बेहद तरस रही हूँ। आप फिक्र ना करें ना, हम देंगे आपकी माँ की मोहब्बत, हमारा मतलब अपनी मोहब्बत, बेलौस सच्ची मोहब्बत। हाउ स्वीट ऑफ यू, इतने अच्छे से हैं आप, और कितनी बुरी सी है वो, इतने अच्छे शोहर की मोहब्बत को नहीं पहचान पाई। उनको बदनसीब ही रहने दीजिए, आप खुश नसीब हो जाए ना। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। क्यों ना ही हो सकता, ये बस थोड़ी सी हिम्मत करने की देर है बस। अब अगर हम आपसे, आप हमसे कहें कि शादी के लिए तैयार हैं, तो हम हाथ के हाथ उनको तलाक दे दें, बोले देवे क्या? थोड़ा सा हाँ यहाँ, अभी नहीं, पहले आप मुझसे निकाह कीजिए ना, फिर उससे तलाक दे दीजिएगा। चंबेली, तुम पहले क्यों नहीं आई? हम तो हर सदियों से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, हाँ वैसे मुझे भी लग रहा था कि मैं सदियों से किसी ऐसे ही शख्स से मिलने के लिए बहुत बेचैन और बेताब थी, जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। चंबेली, हम आपका चंपा बनने के लिए फौरन ही तैयार हूँ, और एक बात याद रखना, हम वो ट्रेन वाला बदला ज़रूर लूँगा और चलती ट्रेन चलूँगा। सच्ची? मुच्ची, मैं वारी। हाय अल्लाह, जोरदार, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। तुमने देखा वो बेगम साहब की बहन कितनी चलाक निकली है, कैसे डोरे डाल रही है साहब जी पर। और तुम जो रोज डाका डालते हैं बेगम साहब के घर पे वो। अबे चल, मैं को बेगम साहब की बहन हूँ भला, उसको देखो ना, जो बहन होके अपनी बहन का घर बर्बाद करने पे तुली हुई है। हाँ नहीं तो कैसे उस पे डोरे डालती है, उसको मनाती रहती है हर वक्त। और साहब जी को चेक करो जरा, कैसे लट्टू हो जा रहे हैं उस पर। ओए साहब जी तो यही लट्टू, अरे डोरी से घूम जाता है, बस डोरी जनाना होना चाहिए, लपेटो और घुमा दो चाहे नाड़ा होवे। क्या और क्या, और वैसे भी तुमको क्या तकलीफ है, बेगम साहब आके खुद निपट लेगा ना अपनी बहन से। जोरदार, मेरी बात सुनो तुम, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना हो रहा है कि चलो 2-3 दिन ही तो मुझे मिले थे, मैंने सोचा था कि मैं साहब जी से ना अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवा लूंगी, लेकिन वो कमबख्त मारी बेगम साहब की बहन पता नहीं कहां से बीज आके कूद पड़ी है। ओ ये कूद करे, वही मैं कब, मैं तो उधर गेट पे बैठा था, वहां तो मेरे को नजर नहीं आई, ये कब कूदा अंदर। जोरदार खान, मैं क्या करूं, कैसे करूं, वो बेगम साहब का तो फोन भी बंद जा रहा है, मैं कैसे रोकूं उसको। हाँ पता है तुम्हें अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवा रही है, जो सारी ख्वाहिश मैंने अपनी पूरी करवानी थी अब वो कर रही अपनी ख्वाहिशें पूरी, बदबूदार चंबेली कहीं थी। बदबूदार चंबेली, चंबेली ये तो हाथ कान की चूड़ियाँ कितनी अच्छी हैं। थैंक यू। ये क्या, सिर्फ 21 जोड़े बनाए आपने मेरे लिए, चाहिए हमने बात कर। ओहो भाई, ये तो सिर्फ निकाह के लिए हैं, शादी की बात और हम बहुत सारे बना के देंगे, और ये जो सोने का सेट लिया है ना तुमने इतनी पसंद से, शादी के बाद हम और ज्वेलरी तुमको लेके दे देंगे, तुम टेंशन ना ही लो, बस ये ऐसा करो कि बस आज की आज निकाह हो जावे ना, हम कोर्ट में जाके निकाह कर लें, ताकि 2 दिन तो सुकून से गुजरे ना। अब देखिए ना, अब हम निकाह कल भी तो कर सकते हैं ना, फिर कर लेंगे। बात सुनिए जी, ये मकान आपने किसी के नाम तो नहीं किया हुआ, आई मीन गुलबदन के नाम पे तो नहीं है ना? गुलबदन की इतनी औकात के ई घर हम ऊ के नाम करें, ई घर हमारे नाम पे। अच्छा,
तो फिर इसे आप हमारे नाम पे कर दीजिए। आपके नाम क्यों? क्यों हमसे मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत नहीं करते तो ये सब करते का? पड़ गए ना सोच में आप, मकान का जैसे नाम लिया आपने बिल्कुल सोच में पड़ गए, हम नहीं बात कर रहे। अच्छा ना ठीक है, ऐसा करते हैं अभी निकाह करके आवे हैं, फिर कल मकान तो हार नाम कर देंगे। ठीक निकाह तो हो जाएगा। वन सेकेंड ये जो है ना, ये इस मकान के पेपर्स हैं, यू जस्ट साइन इट। ये मकान के कागजात पहले से तैयार करा लिए का? ये कैसे? एक्चुअली बात ये है कि हम आपकी मोहब्बत को आजमाना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ना जैसे आज आपने गुलबदन को छोड़ दिया तो कल आप कहीं हमें ना छोड़ जाएं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, हम अभी के अभी आपको अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। थैंक यू। लेकिन आपके नाम की जगह खाली क्यों छोड़ी, हम चंबेली लिख दें? नहीं प्लीज रेडी दीजिए ना, वो एक्चुअली आपको मेरा पूरा नाम नहीं पता ना, तो मैं अपना नाम खुद ही फिल कर लूंगी, आप जस्ट साइन कीजिए। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा प्लीज। जी यहाँ पे जी, क्यों कितनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे। ये अब आप भी कर देंगे हैं? हैं हाँ, आप भी कर देंगे ना, दोनों के हो जाएंगे। बाद में कर लूंगी ना। नहीं अभी अभी की, बाद में नहीं चलेगा अभी। अच्छा क्या कर रही हैं ये, आपने अपने नाम की जगह पे गुलबदन का नाम कहाँ लिख दिया? अरे इसलिए कि मैं ही हूँ गुलबदन। कहा कह रही है आप गुलबदन कैसे हो सकती है, आप तो चंबेली है ना। अरे भाड़ में गई चंबेली, कोई बहन बहन नहीं है मेरी चंबेली, बेशरम बेगैरत बेहुदा इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरी शादी करते हुए, बड़े आए इश्क और मोहब्बत रचाने वाले। वो तो हम आपकी मोहब्बत की याद ताजा कर रहे थे। भाड़ में जाए मोहब्बत, किसी और के नाम पे तुम मकान भी कर रहे हो, 21-21 जोड़े भी दे रहे हो, और तो और सोने के सर्टिफिकेट दे रहे हो तुम किसी को। ये तो आपने जबरदस्ती कराया, हम तो नहीं कर रहे थे। अरे जबरदस्ती कराया तो शुक्र मानो, ये सारा चक्कर मैंने मकान अपने नाम करवाने के लिए रचाया था। अरे तुमसे तो कई बार कह के थक गई कि ये मकान मेरे नाम कर दो, लेकिन वक्त गुजरता चला गया और तुमने मकान मेरे नाम नहीं किया, तो आज मुझे ये सारा काम करना पड़ा। और तुम शर्म नहीं आई तुम्हें, किसी और के मोहब्बत में तुम पड़ गए, इश्क रचा लिया तुमने फौरन ही किसी और के साथ। ये हमारे साथ चीटिंग की आपने। अरे ठहर जाओ, तुम्हारा तो बंदोबस्त मैं अभी करती हूँ, बताती हूँ कि मैं भी क्या चीज हूँ, बताती हूँ मैं। जोरदार खान, अरे बेगम साहब क्या हुए? अरे उठाओ, आओ, अरे इसको उठाओ। अरे भाई सामान तो नहीं, इस शख्स को उठा के बाहर देखो, मैं मालिक हूँ इस घर की, मेरा हुक्म चलेगा। अरे निकलो यहाँ से, अरे निकलो, ये हमारी बात तो सुनो।